टेलीविजन की बहू की जिंदगी आसान नहीं होती। अब हमारी सावी को ही ले लीजिए, अब सावी की सवारी जो है वो रात को निकलती है, ये तो हम जानते ही हैं क्योंकि वो रिक्शा जो चलाती हैं। लेकिन अब घर वालों ने रख दिया है अखंड रामायण का पाठ, विच इज अ गुड थिंग ऑफ कोर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिम्पी भाभी की नजरों से बचकर रात को कैसे निकलेगी हमारी सावी रिक्शा चलाने। सावी के ससुराल में अखंड रामायण हो रही है और इस अखंड रामायण की पूजा में इस सावी बन गई है लीडर। अब भी घर की बहू रानी है तो घर की बाग डोर भी सावी को मिली है, तो उसे लीडर का खिताब तो देना ही पड़ेगा। इस पूजा में आपको सावी थोड़ी थकी थकी सी नजर आ रही होगी। अब वो क्या है ना, दादी की एंट्री हुई है तो दादी चाहती है कि इस पूजा की पूरी देखरेख कोई और नहीं बल्कि सावी करे। अब दादी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि इतने बड़े खानदान की बहू एक रिक्शा वाली बनी है। पूजा की जिम्मेदारी दी है सावी को हमारी जो इनकी सास और मेरी दादी यूडी ने, और इनसे कहा है कि अब मतलब क्योंकि वो इन्हें पसंद नहीं करती हैं, ये रिक्शा वाली हैं और ये दुल्हन बन के बहू बन के इस घर में आ गई, तो उन्होंने बोला है कि मैं इन्हें माफ़ कर दूंगी अगर ये जो अखंड रामायण की पूजा है ये अच्छे से कर पाती हैं। तो अब सावी टीवी की बहू रानी है तो उसे जो जिम्मेदारी मिलेगी ना वो उसे अच्छे से निभाएगी। फिर क्या, सावी ने सारे काम बांट दिए और जो उसके पति देव है ना नित्यम, उसे भी काम सौंपा है। मुझे भी रोक के बोलती हैं कि नहीं आप भी ये काम करोगे, तो ये लीडर बन गई है जैसे कि होता है। अब ये घर में आके इन्होंने सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी हैं। सो पत्नी की बात तो वो भी मानेगा, और रही बात रिक्शा चलाने की तो सावी उसे भी मैनेज कर लेगी क्योंकि दिन की जिम्मेदारी तो सावी की है और रात की डिम्पी भाभी की। और जैसा कि आप जानते हैं रात में ही सावी रिक्शा चलाने जाती है घर वालों से छुप छुपा कर। अभी फिलहाल इतना पता है कि जो दिन और रात की जिम्मेदारी है वो दिन की सावी को मिली है और रात की डिम्पी को मिली है। तो अब बस यही होगा कि जब रात को अखंड पाठ चल रहा होगा और डिम्पी जी होंगी पहरेदारी पे, तो मैं निकल के कैसे जाऊंगी बाहर, और जाना भी जरूरी है। अब डिम्पी की नजरों से उसे छुपकर निकलना बहुत मुश्किल होगा। अब तक तो फिलहाल ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन जब ये राज खुलेगा कि अब भी इस सावी रिक्शा चलाती है तब क्या होगा, हमें तो उसी का डर लगा हुआ है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।